नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप फ्रॉम द गुजरात। आज के इस नए वीडियो में हम एक खास रिक्वेस्ट पे छोटी सी ट्यून सीखने वाले हैं। एक सॉन्ग है जो आजकल बड़ा फेमस है, वो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ट्यून भेज दूंगा। यहाँ मैं नहीं बजाऊँगा, कॉपीराइट क्लेम लग सकता है और मुझे कोई डिस्क्लेमर नहीं देना है, ठीक है? और आप मुझसे जुड़ जाएंगे, ठीक है? छोटी सी ट्यून है, बैकग्राउंड ट्यून है, थोड़ी सी है, बिगिनर है, फिर भी आप सीख सकते हैं। एकदम नेचुरल वीडियो बनाने के लिए मैं उत्साहित हो रहा हूँ। चलिए सीखना शुरू करते हैं। कहानी बता देता हूँ शॉर्ट में। फोटोग्राफर फ़ोटो खींच रहा है लेकिन अच्छा कोई ऑब्जेक्ट मिल नहीं पा रहा है। एक लड़की खड़ी है, उसका फ़ोटो उसने खींच लिया, मस्त आ गया। शुरू होती है कहानी यहाँ से और जोड़ दी है कृष्ण और राधा के साथ। देखने में आपको वैसे ही लगेगा, मुझे तो एक भी वर्ड उसका शब्द समझ में नहीं आया लेकिन सॉन्ग सुनने में बड़ा मज़ा आ गया। देखिए इसे बजाना एकदम आसान है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आसान किस प्रकार से है चलिए सीखते हैं। नोट्स लगाने हैं प ध नी सा रे ग, बस ख़त्म। उस सॉन्ग में जो बोल रहे हैं दोनों लोग, उसके बैकग्राउंड में ये बांसुरी बजाई गई है। आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि भाई अभी हम क्या सीख रहे हैं। ना समझ में आए तो सॉन्ग अच्छे से सुनिएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नोट्स और सुर तो एक ही होते हैं। ये पार्ट दो बार आएगा, क्या है? प ध सा नी ध ध ध। आप मेरी उंगलियों को देखिए, मैं किस प्रकार से नोट्स गा रहा हूँ वो भी देखिए। इसका मतलब आपको सिर्फ नोट्स लिखना है ये नहीं है, नोट्स गाने का मतलब ये होता है कि वो कितनी देर तक कौन सा नोट बजाया गया है। देखिए प ध सा नी ध ध, प ध सा नी ध ध। ये दो बार बजाना है। बजाना किस प्रकार से है बारीकी देख लीजिए। प ध सा नी ध ध, समझदार को इशारा काफ़ी है। सानी सानी ये छोटी सी हरकत है। अब इस हरकत को आप समझ लेते हैं तो बड़ा ही अनोखा ज्ञान आपको हो जाता है, लेकिन समझने की ही बात है। अब ये दो बार बजाना है, पूरी धुन फिर से बजाता हूँ और आगे का पार्ट सीखते हैं। दो बार मैंने बताया वैसे बजाना है, उसके बाद नेक्स्ट है सा रे ग। सा को सिंपल नहीं बजाना, आप मेरी उंगलियां देखिए या खुद से क्रिएटिव करके कुछ जोड़ दीजिए। सा रे ग, नोट्स सिंपल है, सा रे ग। सा रे ग नी सा नी प नी ध, फिर से देखिए। सा रे ग नी सा नी प नी ध, कितना प्यारा लाइन है। ठीक है, सा रे ग नी सा नी प नी ध। अब बांसुरी का एक और पीस आता है लेकिन वो मैं तैयार नहीं किया हूँ, मुझे आपको सिर्फ सिखाना था बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो मैंने आपको सिखा रखा है। वो आप नहीं समझे फिर से वीडियो देख लीजिए। और मेन सॉन्ग शुरू होता है,
बस ये सेकंड लाइन ही हमारी मेन ट्यून है जो बैकग्राउंड में बजाई जा रही है, बेस फ्लूट है, याद रखिएगा जो बैकग्राउंड में यूज़ किया हुआ है वो बेस फ्लूट में बजाया हुआ म्यूज़िक है, तो आप बेस फ्लूट में आसानी से बजा सकते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आमतौर पर मैं भजन, सॉन्ग, कीर्तन वो सभी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये आज कुछ अलग वीडियो बना दिया, छोटा सा है, आप सीख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये बांसुरी है F मिडल नेचुरल स्केल की, ठीक है, ऑल द बेस्ट।